एथेंस ओलंपिक सन 2004 का पहला दिन है, उसका विवरण आप प्रमोद वार्ष्णेय से सुन रहे हैं। इस समय फालिरो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए वार्ष्णेय परिवार को देखिए, ये सामने फालिरो कॉम्प्लेक्स आ गया है। इसमें सबसे पहले हैंडबॉल की स्पर्धा देखने को मिलेगी, उसमें आप देखिए तो दोनों तरफ, एक तरफ स्पेन और दूसरी तरफ कोरिया खेलेंगे, और बहुत तरह के झंडे, हर देश के झंडे वहाँ लगे हुए हैं। वातावरण बहुत ही अच्छा है। मुख्य खिलाड़ी और दुनिया भर के दर्शक आए हुए हैं और यहाँ पर खेल का मजा उठाने के लिए। Ladies and gentlemen, the Athens 2004 Organizing Committee for the Olympic Games welcomes you to the Falero Sports Pavilion for the Olympic Handball Competition. ओलंपिक के पहले दिन हैंडबॉल का सबसे पहला खेल, स्पेन और साउथ कोरिया। बॉल इस समय साउथ कोरिया के पास है, वो आपस में पास किए जा रहे हैं और वो अपने सर्कल के बाहर हैं, पास एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। स्पेन अंदर ही अपना डिफेंस लगाए हुए है। बॉल अब उन्होंने दी, भाग के आगे बढ़े, उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। साउथ कोरिया ने बॉल फिर वापस ले लिया, उन्होंने फिर पास किया, उसने फिर मारने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फिर बॉल आपस में पास कर रहे हैं, फिर कोशिश की लेकिन बॉल बीच में ही ले ली गई है और बॉल आगे लेके स्पेन भाग रहा है और उसने गोल कर लिया, पहला गोल। और उस साउथ कोरिया के कोच बड़े नाराज हैं, वो अपने टीम को बता रहे हैं अब देखिए वो क्या डिफेंस कर पाते हैं। बड़े धीरे धीरे स्पेन आगे बढ़ रहा है और वो आपस में एक दूसरे को पास कर रहे हैं बहुत दूर से। देखिए वो पास करे जा रहे हैं धीरे धीरे, लगता है फिर गोल होने वाला है। अब तेज़ी से फिर पास होने लगे, स्पेन के पास है 10 नंबर के पास, उसने अपने साथी को बॉल दी, गेंद फिर 10 नंबर के पास आ गई, उसने बहुत अच्छा फेंक किया और उसने 19 नंबर की और उसने गोल मार लिया है, गोल हो गया है। साउथ कोरिया पीछे है और स्पेन के दर्शकों में बहुत ही आनंद की स्पर्धा को देखकर आनंद आ गया है। और इधर इस समय कोरिया का गोली तो गोल के अंदर ही नहीं है, देखिए स्पेन इसका मौके का फ़ायदा उठा पाता है कि नहीं। उन्होंने गोल मारने की कोशिश की दूर से लेकिन स्पेन वाले ने कर नहीं पाया गोल और साउथ कोरिया ने बचा लिया है। और इसको साउथ कोरिया वाले अपना झंडा दिखाकर अच्छा कर रहे थे, वो खेल स्पेन जीत गया था। अभी अगला खेल हंगरी और इजिप्ट के बीच में चल रहा है और हंगरी और इजिप्ट दोनों के ही बहुत ही दर्शक बहुत ही उत्तेजनापूर्ण हैं, बहुत ही झंडों के साथ खूब मज़े से गाना गा रहे हैं। गेंद इस समय हंगरी के पास है, हंगरी ने बड़ी जोर से मारा और इजिप्ट के गोली ने उसको बहुत अच्छी तरह से बचा लिया है। गेंद इस समय इजिप्ट के पास है और वो एक दूसरे को पास करे जा रहे हैं और उन्होंने गोल कर लिया है। उन सब के दर्शकों के बीच में देखिए कितना ही अधिक आनंद आ गया, लेकिन अंत में जीत हंगरी की हुई और उनके दर्शकगणों ने काफ़ी आनंद उठाया। वहाँ से चलकर अब हम सभी लोग शहर के बीच में आ गए हैं और रोड रेस को देख रहे हैं और ये साइकिल वाले तो बस ज़ू करके चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन कितने नंबर का आदमी यहाँ से गया। ये तो बहुत ही तेज़ जा रहे हैं, काश मैं भी इतनी तेज़ साइकिल चला पाता। यहाँ से अब गलात्सी नाम के स्थान पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर जूडो की प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ जापान के लोग आए हुए, जापान के काफ़ी दर्शकगण आए हुए हैं और ये उनका टेलीविज़न का क्रू भी यहाँ पे आ गया है और वो लगता है कि कोई मशहूर खिलाड़ी या कोई हस्ती यहाँ पे आई हुई है और जापानी क्रू उनके पीछे जा रहा है। अरे ये तो जापान का एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी है जिसकी कि पत्नी एक जूडो की स्वर्ण पदक विजेता रियो को टानी है। लगता है ये उसी को देखने के लिए अंदर आया हुआ है। ये बृहद व्यू बहुत ही सुंदर अंदर दिखाई पड़ रहा है। ये तो बहुत ही भरा हुआ स्टेडियम है चारों तरफ से और यहाँ पर जापानी लोग काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। जापान में जूडो का काफ़ी जोर बोलबाला है इसलिए जापानी झंडे चारों ओर लहरा रहे हैं और अब ये जूडो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर नीले रंग में जापान की रियोको तानी जूडो लड़ रही हैं और साथ में सफ़ेद में उनके साथ दूसरी जो उनकी प्रतियोगी हैं वो लड़ रही हैं। जूडो
टीमों का मैच जोरदार चल रहा है। जापानी प्रतियोगी रियोको टानी वो आगे बढ़ी हुई हैं, उनकी फ्रेंच जो दूसरी लड़ रही हैं वो कुछ ढीली पड़ रही हैं, और लगता है कि जापानी इस समय कुछ पॉइंट्स पे अपना ज़्यादा हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फुर्ती से कर रही हैं। उन्होंने उसको चपट गिरा दिया है और इस समय जापान के जो दर्शकगण हैं वो झंडों से उनका काफ़ी उत्साह बढ़ा रहे हैं और आवाज़ें लगा लगा कर। अब मैच करीब अंत की ओर पड़ चुका था और यहाँ पर जापानी महिला रियोको टानी ने जीत हासिल की और इस साल का भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब उनको वहाँ के टेलीविज़न के क्रू इंटरव्यू कर रहे हैं, और क्यों ना करें, आखिर इनकी वही हालत है जिस तरह से कि अगर माधुरी दीक्षित भारत में आ जाए उसी प्रकार उनको सब लोग घेर लेते हैं। अब मेडल सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं और जो भी इस वेट कैटेगरी के जो विजयी हुए हैं, जो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के विजेता हैं, उनको मेडल सेरेमनी में मेडल दिया जाएगा, उसकी तैयारियां हो रही हैं। ये प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है कि इस भिन्न भिन्न तरह के पदक प्रदान किए जाएं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है, बड़ी फुर्ती से, बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी जल्दी वॉलंटियर्स जो हैं वो लगा देते हैं और बहुत ही तेज़ी से सब हो जाता है। 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी थी, उसका मेडल सेरेमनी होने वाली है। जो जीते हैं उनके उन जगहों के झंडे अब यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। ऐसा आप लोगों को ज्ञात ही है कि जब मेडल दिए जाते हैं तो उनके झंडे पीछे दिखाए जाते हैं। अब पदक विजेता मंच की ओर आ गए हैं और यहाँ पर उनको पदक प्रदान किए जाएंगे। दर्शकों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा, यहाँ पर पुराने ज़माने की वेशभूषा दिखाई दे रही है और जो पदक वगैरह की जो सेरेमनी जो है इसमें काफ़ी पुराने समय की प्रथाओं को विशेष रूप से दिखाया जा रहा है। अब बाकी का जो हाल है वो प्रमोद वार्ष्णेय अब आपको नहीं सुनाएंगे। अब आप जो हैं जो वहाँ पर ऑडियो विजुअल्स हैं उनको सुनिए और नमस्कार। गोल्ड मेडल एट ओलंपिक चैंपियन